आज के प्रतिस्पर्धात्मक कंपटीशन के वातावरण में होने वाले तनाव का योग द्वारा प्रबंधन कैसे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट, इस विषय पर वार्ता देंगे भारतवर्ष के योग क्षितिज पर चमचमाते हुए सितारे के रूप में उभर रहे संस्थान के महामंत्री श्री देशराज गुप्ता। श्री देशराज गुप्ता जी ने, जैसा अभी शरद जी ने बतलाया, अनेक पुस्तकें लिखकर संस्थान के साहित्य को समृद्ध किया है, जिनमें वात पित्त कफ, महिला रोग और योग, ध्यान साधना, योग दर्शन खंड 101 रोग और योग तथा योग दर्शन खंड 2 जिसका आज विमोचन हुआ। इनमें से 101 रोगों का योग द्वारा उपचार बताने वाली पुस्तक रोगों से जूझ रहे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह पुस्तक हमारे सभी बाहर पुस्तक विक्रेता सेल के स्टॉलों पर लगी हुई है और आप सभी से, विशेष करके जो हमारे शिक्षक और कार्यकर्ता साधक हैं, वो अवश्य लेकर जाएं ताकि वह केंद्र में आने वाले लोगों को का मार्गदर्शन उचित रूप से कर सकें। श्री देशराज जी, आज के हमारे मुख्य अतिथि महामहिम भारत में फिजी से राजदूत माननीय योगेश भाई पूंजा, हमारे विशिष्ट मेहमान माननीय कांति भाई पूंजा, मंचासीन अधिकारीगण, उपस्थित हमारे आज के अतिथिगण, मातृशक्ति, आदरणीय बंधुओं और प्यारे बच्चों, और साधना टीवी पर लाइव टेलीकास्ट से जुड़े हुए हमारे लाखों और करोड़ों साधकगण और दर्शकगण, आप सबको गांधी जयंती और भारतीय योग संस्थान के 52वें योग दिवस समारोह की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धेय प्रकाश लाल जी के द्वारा योग का ये बीज 10 अप्रैल 1967 को रोपा गया। पिछले 52 वर्षों के अथक प्रयास से भारतीय योग संस्थान के द्वारा हजारों हजारों की संख्या में निष्काम सेवा कर्मियों की एक बहुत सुंदर संस्थान के द्वारा श्रृंखला बनाई गई। हमारे ये योग शिक्षक, हमारे ये योग निष्काम सेवा कर्मी भारत की 23 प्रांतों में 3500 योग केंद्रों के माध्यम से विदेशों में, लगभग 10 देशों में प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोगों को निःशुल्क योग की शिक्षा देकर उनको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ पहुंचा रहे हैं। हमारे ये केंद्र पार्कों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, कार्यालयों में, सुरक्षा जो डिफेंस के जो मिलिट्री कैंप हैं उनमें, जेलों तक में कैदियों को भी योग सिखा करके समाज को अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे केंद्र महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए, महिला और पुरुषों के सामूहिक, बच्चों के लिए, जेल के कैदियों के लिए, समाज के मानव की हर वर्ग के लिए ये केंद्र चलाए जाते हैं, धर्म, जाति और राजनीति से ऊपर उठकर। भारतीय योग संस्थान ने
भारत की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए योग को साधन के रूप में चुना, क्योंकि योग एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। लक्ष्य बड़ा था, साधन भी बड़ा लिया, और योग के माध्यम से समाज को एक अच्छा जीवन जीने का मार्ग दिखाने का निश्चय किया, जिस पर आज तक संस्थान बिना अपने सिद्धांतों से हिले डुले चल रहा है। हम योग नहीं बेचेंगे, भेदभाव नहीं होगा, निष्काम सेवा भाव से योग समाज में परोसा जाएगा। योग के दो पक्ष देखे जाते हैं समाज में, एक आध्यात्मिक पक्ष, दूसरा सांसारिक और आधुनिक पक्ष। जब मैं आध्यात्मिक पक्ष की बात करता हूं तो योग ईश्वर से जुड़ना है, योग अपने भीतर उतरना है, योग अनुशासन है, अपने ऊपर शासन करना। मेरा खाना ठीक हो, मेरा सोना ठीक हो, मेरा उठने का समय ठीक हो, मेरे कर्म ठीक हो, मेरे संस्कार ठीक हो, मेरी वृत्तियां ठीक हो, मेरे विचार ठीक हो, मेरे भाव ठीक हो, मेरे इच्छाएं ठीक हो, मेरा संग अच्छा हो। और जो योग के मार्ग पर चला करते हैं उनका संग स्वतः अच्छा हो जाता है, जो योग के मार्ग पर चलते हैं उनका संग अच्छा होता है। संग अच्छा होने से उनके कर्म अच्छे होते हैं, कर्म अच्छे होने से संस्कार, वृत्तियां, भाव, इच्छाएं, क्रियाएं सब अच्छी होती हैं, अर्थात उनका जीवन अच्छा हो जाता है। आज जब मंच पर बैठे हुए मैं अपने इस प्रांगण को अपने योग साधकों से भरे हुए देख रहा था, हृदय से भावुक होकर के कह रहा हूं कि दिल गद 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 कर रहा था। कितना नमन करूं मैं अपने योग परिवार को, कैसे शब्दों में धन्यवाद करूं मैं आपका, शायद मेरे पास शब्द छोटे पड़ जाएंगे। जो योग के मार्ग पर चला करते हैं वही इस जीवन को सार्थक किया करते हैं, जो योग के मार्ग पर चला करते हैं उन्हीं का जीवन उपयोगी हुआ करता है, जो योग के मार्ग पर चला करते हैं उन्हीं का जीवन सफल हुआ करता है, जो योग के मार्ग पर चला करते हैं उन्हीं की अनुभूतियां अच्छी हुआ करती हैं। लेकिन अगर हम इसे आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, आधुनिक और सांसारिक रूप में योग को देखें, तो आज योग को अनिवार्यता के रूप में देखा जाता है, मजबूरी के रूप में देखा जाता है, पैथी के रूप में देखा जाता है, रोगों को ठीक करने के मार्ग के रूप में देखा जाता है। यह पक्ष भी योग का कहीं कमजोर नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहा करता हूं कि योग रोग ठीक नहीं करता, जहां योग होता है वहां रोग आते ही नहीं। जहां दिया होगा वहां प्रकाश होता है, अंधेरे का वहां कोई काम नहीं। इसलिए योग को उस दृष्टिकोण से हमें अपनाना चाहिए। आज ये भाग दौड़ की जिंदगी, आज ये प्रतिस्पर्धा, आज एक दूसरे से आगे निकलने की होड़, आज गलत समय पर सोना, गलत समय पर उठना, गलत भोजन करना, इस भाग दौड़ के अंदर आप देखेंगे कि समाज में बहुत तेजी से बीमारियां बढ़ रही हैं। चाहे मोटापा हो, चाहे मधुमेह का रोग हो, चाहे उच्च रक्तचाप का रोग हो, चाहे हृदय रोग हो, चाहे हड्डी रोग हो, चाहे महिलाओं में मासिक धर्म से संबंधित रोग हो या अन्य महिला रोग हो, अनिद्रा का रोग हो या कोई मानसिक रोग हो, अगर इन सब रोगों का कारण ढूंढे तो वो है गलत दिनचर्या और गलत जीवन शैली, गलत दिनचर्या और गलत जीवन शैली। और योग क्या करता है? योग केवल दो ही काम करता है, हमारी जीवन शैली को अच्छा बना देगा, दिनचर्या को अच्छा बना देगा, हमारी आदतें अच्छी हो जाएंगी, हमारी सोच अच्छी हो जाएगी, हमारा भोजन ठीक हो जाएगा, हमारे कर्म ठीक हो जाएंगे, हमारे उठने सोने बैठने बोलने सोचने के तरीके बदल जाएंगे, और जब हम सकारात्मक जीवन जिएंगे तो रोग हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। अभी हाल ही में एक समाचार पत्र में न्यूज छपी थी, सबने देखी होगी,
और टीवी के ऊपर भी आया था कि बहुत चिंता का विषय है, कुछ ही वर्षों में भारत में कैंसर के रोगियों की संख्या दुगनी हो गई। ये अभी 5-7-10 दिन पुरानी न्यूज है। आप चिंता क्यों करते हैं? आप चिंतन करो ना, और चिंतन करने से आपको आभास होगा कि कैंसर के रोग का अगर कोई कारण है तो वह गलत जीवन शैली और गलत दिनचर्या, गलत जीवनचर्या और शरीर की घटती हुई इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक प्रणाली है। जब मैं योग की शरण में आ जाता हूं, प्रतिदिन आसन प्राणायाम ध्यान आदि को अपने जीवन में आचरण में लाने लगता हूं, तो वो मेरी दिनचर्या और जीवनचर्या को बढ़िया कर मेरी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा देगा, कैंसर जैसे रोगों का भी इलाज संभव हो पाएगा। जब हम इस देश में पत्थर की मूर्ति पे भगवान को ढूंढ सकते हैं तो योग के अंदर आरोग्यता क्यों नहीं ढूंढी जा सकती? योग वास्तव में आरोग्यता की कुंजी है, जीवन जीने की कला है, रोगों को भगाने का बहुत सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उसी में एक रोग निकल करके आया जो अभी माननीय जयप्रकाश जी ने कहा कि आज तनाव प्रबंधन पर बोलेंगे। तनाव है क्या? तनाव जीवन काल में नकारात्मक अनुभूतियों का परिणाम है। तनाव सबको बनता है और जैसे तनाव बनेगा आप समझ लेना एकाग्रता और ध्यान उसी समय भंग होने लगेगा। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, महिला हो, पुरुष हो, जॉब करता हो, व्यवसाय करता हो, घृष्ट भोजन करता हो, सुपाच्य भोजन करता हो, लेकिन विश्वास कीजिए कि तनाव सबको बनता है। तनाव सबको बनता है। सवाल यह उठता है उसका उपचार क्या हो। तनाव बनने के कुछ सिम्टम्स भी हैं। हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, हाथ पैरों में पसीना आने लगेगा, जल्दी थकान होगी, मन में काम नहीं, काम में हमारा मन नहीं लगेगा। आप देखेंगे शरीर में पाचन बिगड़ने लग जाएगा, मानसिक रोग आने लग जाएंगे, रात को नींद नहीं आएगी, याददाश्त शक्ति कमजोर होने लग जाएगी, व्यवहार असामान्य होने लग जाएगा, ऐसे बहुत से लक्षण सामने आएंगे। इसके कई कारण होते हैं तनाव के शरीर में आने के, उनको भी थोड़ा समझेंगे हम। तनाव का सबसे बड़ा कोई कारण है वो है अव्यवस्थित दिनचर्या। जिसकी दिनचर्या ठीक नहीं होती है उसको टेंशन बनेगी बनेगी। रात को लेट उठोगे, सुबह लेट आंख खुलेगी, दफ्तर लेट पहुंचोगे, बॉस की डांट खाओगे, तो आपको टेंशन बनेगी बनेगी। व्यवसाय में सफलता नहीं मिली, बॉस ने प्रमोशन रोक दी, बोनस अच्छा नहीं मिला, खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, आपने जो चाहा वो नहीं हुआ, न जाने कितने प्रकार की ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से छोटी छोटी बातों पर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। बच्चा जब 3 से 4 साल का होता है तो माता पिता को एक टेंशन बनती है कि उसको स्कूल में दाखिला कहां करवाएं। भागते हैं 20-25 स्कूलों में दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में, वहां टेंशन। बच्चे का एडमिशन हो गया, थोड़ा सा हायर क्लास में गया, बच्चा पढ़ाई नहीं करता, वहां टेंशन। बच्चा पढ़ाई करता है, 12वीं में उसके बोर्ड में 95% नंबर आ गए, SRCC में एडमिशन नहीं हुआ, वहां टेंशन। एडमिशन हो गया फिर उसको CA MBA में एडमिशन नहीं हो रहा है, वहां टेंशन। CA MBA में एडमिशन हो गया, वो भी क्लियर हो गया, प्लेसमेंट नहीं हो रही है, फिर टेंशन। प्लेसमेंट हो गई, लड़के को लड़की और लड़की को लड़का अच्छा वर नहीं मिल रहा है तो टेंशन। शादी कर दी, लड़की मिल गई, अब वो लड़का जो माता पिता के साथ बैठ के रोटी खाता था, भोजन करता था, उसने अपनी पत्नी के साथ बैठ के खाना शुरू कर दिया तो टेंशन। टेंशन की कोई कारण नहीं होता, छोटी छोटी बातों के ऊपर हम तनाव बना लेते हैं, और जैसे ही तनाव बनेगा यह लाजमी है कि शरीर में दोष बहुत से आने लग जाएंगे। तनाव रोग नहीं है, तनाव सब रोगों की मां है, जड़ है, मूल है।
तनाव हमारे शरीर में तीन रूपों में पाए जा सकते हैं। फिजिकल टेंशन, जिसको मस्कुलर टेंशन भी कहते हैं, शारीरिक या मांसपेशीय तनाव। दूसरा होता है मानसिक तनाव, मेंटल टेंशन। और तीसरा होता है भावनात्मक तनाव, इमोशनल टेंशन। भावनात्मक तनाव, फिजिकल टेंशन मेरे शरीर में स्थूल रूप में रहता है, मेरी मांसपेशियों में होगा तो उसका मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाएगा, मेरे ऑर्गन्स में होगा तो उनकी क्रियाशीलता शिथिल पड़ने लग जाएगी, मेरी ग्रंथियों में होगा तो उनके हार्मोन्स बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, मेरे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में होगा तो मेरे को कम या ज्यादा अमल बनने लगेगा। शरीर के जिस भी हिस्से में टेंशन होगी वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। हड्डियों में होगा तो हड्डियों में दर्द होने लग जाएगा, रीढ़ में दर्द होगा, घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, कंधों में दर्द होगा, गर्दन में दर्द होगा, सर में दर्द होगा। और इसका इलाज क्या है, आप यकीन मानिए, फिजिकल टेंशन को खत्म करने का, आप भोजन को ठीक कीजिए, पानी ज्यादा पीजिए और सुबह आकर के भारतीय योग संस्थान के केंद्र पर एक घंटा आसनों का अभ्यास कर लीजिए, फिजिकल टेंशन ठीक हो जाएगी। कितना सिंपल सा इलाज है। और एक इलाज देखिए, आज आप हंसे थे, जैसे आप हंसेंगे, ये साइंस कहती है, मैं नहीं, आपके मस्तिष्क में स्थित ग्रंथियों के बीच से बनने वाला जो स्राव है वो आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स कर देता है और आपकी बॉडी से फिजिकल टेंशन बाहर हो जाता है। इसलिए एक बार आप जोर से एक मिनट लगातार हंस के दिखाएंगे, जोर से हाथ उठाकर। शांत हो जाइए, टेंशन को खत्म। आप अगर नेगेटिव सोचोगे तो टेंशन आएगी और पॉजिटिव सोचोगे तो टेंशन भाग जाएगी। यह इलाज है इसका। जैसे मीठा खाओगे तो शुगर होएगी, कड़वा खाओगे तो शुगर ठीक होगी। हम अपनी जीवा पर नियंत्रण नहीं करते, अपनी आदतों को बदलना है हमें। मानसिक तनाव क्या होता है? मानसिक तनाव मेरे मनह पटल के ऊपर लंबे जीवन काल में मेरी नकारात्मक अनुभूतियों की संचित परतें हैं। जो मेरी नकारात्मक अनुभूतियां हैं वो मेरे मनह पटल के ऊपर, अब चेतन मन के ऊपर, सब कॉन्शियस माइंड के ऊपर इकट्ठी होती रहती हैं। और भविष्य में कोई घटना घटती है, कोई वातावरण बनता है, तो जैसे वो वातावरण बनेगा तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल फॉर्म में बाहर आ जाएगी। जैसे गुस्सा करना, आपने देखा घर में कई बार हम अनावश्यक क्रोध करते हैं, प्रहार करना, किसी चीज को तोड़फोड़ देना, ऐसे व्यक्ति को बीपी होगा, ऐसा व्यक्ति हार्ट की ट्रबल से पीड़ित हो सकता है, ऐसा व्यक्ति अनिद्रा का रोगी हो सकता है, ऐसा व्यक्ति को जीवन काल में अधरंग की शिकायत हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में ब्रेन हेमरेज की शिकायत हो सकती है, ऐसे व्यक्ति को मूर्छा के दौरे बार बार पड़ सकते हैं। यह मानसिक रोग है और इनको ठीक करने के लिए क्या इलाज है? आपने देखा शव आसन किया, आप यकीन मानिए घर पर जाकर के अगर कोई दर्शकगण भी हमारे कुछ आए होंगे, मैंने बतलाया कि सभी टेंशन में रहते हैं, घर पे आप 7 से 8 मिनट का, 10 मिनट तक का भी आप शव आसन कर सकते हैं। क्लास में तो हम 3 मिनट का ही करवाते हैं क्योंकि वो समयबद्ध होता है। आप शव आसन में गए, 3 मिनट तो आप लगाइए कम से कम, मात्र केवल अंगूठे से सर तक, सर से अंगूठे तक मानसिक अवलोकन करना, और पश्चात आप अपने मांसपेशियों को, हड्डियों को, उनको मन की आंखों से देख करके भाव बनाइए कि मेरे को मांसपेशियां और हड्डियां आई कहां से, ये केवल मिट्टी का बदला हुआ रूप है, मिट्टी से ये पैदा हुआ और एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। और फिर निर्देश दें शरीर को कि वो रिलैक्स हो जाए। ऐसी अपनी रक्त नलिकाओं में बहते हुए रक्त को देखिए और मन में भाव लाइए कि ये रक्त रक्त नहीं, ये जल का ही बदला हुआ रूप है।
तो ऐसे आप पांच तत्वों के दर्शन करते हैं और अंत में लंबे समय तक चाहें तो आप नासिका से आते जाते श्वासों को ओम मंत्र के साथ 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट जितना आपका मन लगे लगे रहिए, आप इस स्थूल शरीर को पार कर जाएंगे और जैसे वैसे आप गहरा लंबा श्वास लेते हुए वापस आएंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर से फिजिकल टेंशन भी और मेंटल टेंशन भी दोनों बाहर है। इतना सुंदर मार्ग है ये। आप शवासन का अभ्यास, आप योग निद्रा का अभ्यास, आप भ्रामरी प्राणायाम कीजिए। जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे श्वास गहरे लंबे बनते हैं, हमारे श्वास अनुपातिक बनते हैं, हमारे श्वास लयबद्ध बनते हैं, हमारे श्वास सूक्ष्म बनते हैं, हमारे शरीर के भीतर हमारा प्राणों पर नियंत्रण होने लगता है, प्राण का अच्छा सृजन होने लगता है, प्राण का अच्छा विस्तार होने लगता है, प्राण संचित होने लगता है। किस अंग को, किस सिस्टम को कितना प्राण चाहिए, जब उसको उतनी ऊर्जा जाएगी और प्राण सूक्ष्म रूप में बहेगा तो आपका मन स्वतः ही शांत हो जाएगा, मानसिक तनाव ठीक। और अंतिम कौन सा रह गया? भावनात्मक तनाव। कौन सा रह गया? भावनात्मक तनाव। भावनात्मक तनाव बोलते हैं इमोशनल टेंशन। ये सबसे खतरनाक होता है, ये नुकसान ज्यादा देता है। जैसे लकड़ी के अंदर अगर दीमक लग जाए और आपको पता भी नहीं चलता और अंदर ही अंदर से लकड़ी खोखली होती चली जाती है, वैसे ही व्यक्ति को भावनात्मक जो तनाव है वो अंदर से खोखला करता चला जाता है। जब आपकी कोई ऐसी दमित इच्छाएं और कोई ऐसी घटनाएं या कोई ऐसी बातें जो आप अपने परिवार से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, अपने संगियों से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप मन ही मन कुड़ते रहते हैं और नकारात्मक सोचते रहते हैं, अपने आप को गिल्टी फील करते रहते हैं, आप दूसरों के साथ बैठ करके हंसना नहीं चाहते, आप किसी के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, आप केवल अकेले में रहना चाहते हैं, जब स्थिति यह आ जाती है तो सोच लेना कि सामने वाला व्यक्ति इमोशनल टेंशन या भावनात्मक तनाव का रोगी है। इससे व्यक्ति के चेहरे से खुशी खत्म हो जाएगी, मुस्कान गायब हो जाएगी, वो खुशी वाले वातावरण में जाना ही नहीं चाहेगा, अकेले में बैठकर के अपने आप को कसूरवार मानता रहेगा, कई बार वो अपने जीवन तक से हाथ धोने का निर्णय कर बैठता है। जब आपके जीवन की बहुत बड़ी इच्छा थी कुछ बनने की, आपने के अंदर योग्यता भी थी, निष्ठा भी थी, समर्पण भी था, हार्ड वर्क भी किया, लेकिन आप उस ओहदे तक नहीं पहुंच पाए तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में पहुंच सकता है, या कोई ऐसी घटना घट जाए जो चरित्र से संबंधित है और समाज में भयभीत होकर के आप अपनी उस बात को शेयर नहीं करना चाहते किसी से, तो भी ये तनाव आ सकता है। और इस तनाव को ठीक करने का रास्ता एक ही है, ऐसे वातावरण में आ जाइए और विश्वास कीजिए कि इमोशनल टेंशन अपने आप ठीक हो जाए, क्योंकि हम आपके भाव बदल देंगे, हम आपके विचार बदल देंगे, हम आपकी सोच बदल देंगे, हम आपका व्यवहार बदल देंगे, हम आपके जीने का तरीका बदल देंगे। और जब सकारात्मकता ही सकारात्मकता आपको मिलेगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तनाव के ऊपर हमारा विशेषांक आया था, उसमें मैंने तनाव के ऊपर एक लेख लिखा। गाजियाबाद से मुझे एक 32 साल के युवा कारपोरेट सेक्टर में काम करने वाले ऊंचे ओहदे पर किसी बच्चे का, यंग बच्चे का फोन आया। आप देशराज जी बोल रहे हैं? हाँ जी मैं बोल रहा हूं, मैंने आपका लेख पढ़ा है, बोलो क्या कहना चाहते हो। उन्होंने बतलाया कि मैं इतने लाख रुपए का पैकेज लेता हूं, बहुत खुश हूं, लेकिन परिवार में संबंध ठीक ना होने के कारण मैं डिप्रेशन में चला गया था और कई दिनों से मैं सुसाइड करने का सोच रहा था। और मैंने जो ही ये तनाव मुक्ति, योग द्वारा तनाव मुक्ति के ऊपर लेख पढ़ा तो मेरे भीतर पॉजिटिविटी आ गई और अब मुझे पता चल गया कि जीवन का एक मूल्य होता है। उस लेख ने एक युवा को जीवन दे दिया। और मैं ये कहता हूं कि भारतीय योग संस्थान के साथ जब ये साधक जुड़ जाते हैं तो एक जीवन दान होता है, ये जीवन दान। और दावे से कहता हूं, जिनको 20 साल ज्यादा जीना है, बदलते हुए समाज को देखना है, सुखी जीवन जीना है, आखिरी श्वास भी सुख की लेनी है, इस जीवन के असली आनंद को लूटना है, उस सुख के सागर में डुबकी लगानी है, तो हमें इस योग की शरण में आना ही पड़ेगा। हमें योग की शरण में आना ही पड़ेगा। सिर्फ एक दो बातें मैं सामान्य करके पूरी करूंगा बात, ताकि समयबद्धता बनी रहे। भोजन सुपाच्य लें,
पानी का अधिक सेवन करें, नियमित योगाभ्यास करें, अच्छा संग रखें, सेवा जरूर करें, परोपकारी जीवन जरूर जिएं, और रात को बैठकर 5 से 7 मिनट 10 मिनट बैठकर अपने दिन भर के कार्यों के ऊपर नजर डालें और जो गलती हुई है उसे ना दोहराने का संकल्प प्रतिदिन करते रहें। किसी भी तरह का तनाव होगा वो अपने आप बाहर जाएगा। मैं केवल एक संकल्प आपसे करवा करके और फिर अपनी बात को पूरा करूंगा और आशा रखूंगा कि आप संस्थान के कार्य को ऐसे ही विस्तार देते रहेंगे जो गति आपने पकड़ रखी है इस वक्त। स्वच्छता, संकल्प क्या है? स्वच्छता। बस अंतर केवल इतना है, सरकार स्वच्छता चाहती है सड़कों पर, घर के आसपास। बहुत अच्छा अभियान है। जब हम विदेशों में जाते हैं वहां की सफाई देख करके कहीं थोड़ी सी ईर्ष्या होती है, काश कि मेरा देश भी ऐसा होता। आप संकल्प लें, भारतीय योग संस्थान का कोई भी दर्शक, कोई भी आज आया हुआ यहां योग साधक और जो टीवी से हमारे साधक जुड़े हुए हैं, कि हम कहीं सड़क पर या घर के आसपास बाहर किसी भी प्रकार का कूड़ा नहीं डालेंगे। हाथ खड़ा करके बतलाओ आप करेंगे। आप बहुत सुंदर। लेकिन मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूंगा। ये बाहर का कूड़ा तो साफ कर देगा, एमसीडी वाले भी कर देंगे, आप भी कर देंगे, लेकिन हमारे शरीर के भीतर का कूड़ा कौन ठीक करेगा? वो भारतीय योग संस्थान करेगा। आप आइए भारतीय योग संस्थान के पास, जब हम आपको करवाएंगे हस्त पादोत्तानासन और सर्पासन, यकीन मानिए आपकी आंतों पर 6-6 साल पुराना जमा हुआ मल भी उखेड़ के उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और अंदर भी स्वच्छता आ जाएगी। पर इस शरीर के भी शुद्ध होने से काम बनने वाला नहीं है, हमें मानसिक स्वच्छता भी चाहिए। हमें मानसिक स्वच्छता भी चाहिए, और मानसिक स्वच्छता तब आएगी जब मेरी सोच अच्छी होगी, मेरी इच्छाएं अच्छी होंगी और मेरे कर्म अच्छे होंगे। जब आप अच्छा संग लेते हो, अच्छी सोच बनती है, कर्म भी अच्छे होते हैं। इसलिए तीसरा संकल्प है निष्काम सेवा। हर रोज मैं अपने जीवन काल में से दूसरों के लिए जी करके देखूं, जिसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप यकीन माना, जब इस भारत में नहीं विश्व में कहूंगा तीनों स्तरों पर स्वच्छता आ जाएगी, कैसा विश्व होगा, तब वो वाक्य पूरा होगा, वसुदेव कुटुंबकम। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं कि आप सब भारतीय योग संस्थान के केंद्रों पर आकर यों ही योग की गंगा में डुबकी लगाते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। महामंत्री श्री देशराज जी द्वारा इस उत्साहवर्धक प्रेरणावर्धक उद्बोधन के बाद संकल्प बहुत सुंदर था। मैं बाहर स्वच्छता रखूं, शारीरिक स्वच्छता रखूं और दूसरों के काम आ जाऊं और बदले में कुछ ना चाहूं, तब ये जीवन सार्थक जीवन होगा।